चलिए। अरे झुमकर झुमकर चलिए दोस्तों अब नमस्कार, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये हमारे लाइफ यानी कि जितनी भी लोकेशन विजिट किया हूँ उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सच्ची घटना हुई है। अगर आप लोग सुनोगे तो यार आप लोगों के भी दिल दहल जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे एक दुखद बहुत ही बड़ी घटना हुई है, और इसीलिए भैया को साथ में लेके आए हूँ। और भैया के जस्ट बड़ोड़ यानी कि पास ही में था ना वो मीटर जो यहाँ पे हुआ था, तो भैया आप बता दीजिए यहाँ पे क्या हुआ था, वरना हम बोलेंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। तो आप भैया बता दीजिए यहाँ पे क्या है। भाई हमारे गांव में मतलब हमारे घर के पड़ोस की बात है, तो मतलब उसकी एक दादी मतलब उसका एक मतलब औरत और उसका एक बच्चा। अच्छा, उसमें तीन सदस्य रहते थे, हम थोड़ा बता देते हैं। और उसमें पति था, पत्नी थी और उसका 4 या 5 साल का बेटा था, जैसा कि तुम्हारे घर वाले और आसपास के पूरा गांव वही चर्चा बताता है। तो क्या हुआ था अब आगे बता दीजिए। तो मतलब वो हम लोग तो यहाँ पे गाँव में थे, जब मैटर हुआ था तो वहाँ से आए तब हम लोगों को पता चला कि मतलब एक औरत और उसकी बीवी और बच्चा मतलब उसको किसी ने मार दिया, और रोड पे फेंक दिया। ये नहीं पता कि उसका पति उसके पति ने मारा या मतलब तो उसमें मौत हुई तो उसके बेटे की हुई और उसकी पत्नी की। हाँ, दो की मौत हुई। तो फिर अब पति कहाँ है? पति वो जेल को चला गया। दोस्तों यार कैसे क्या मतलब लफड़ा फड़ा हुआ करता था उनके घर पे? हाँ, झगड़ा मतलब जो दारू रूपी की आता था और झगड़ा भी करता था, बेबी को मारता था। अच्छा, जो मतलब कहीं और उसका कोई संबंध मतलब तो नहीं चलता था ये हमको नहीं पता, ठीक है। उस टाइम तुमके नहीं ना, तो भैया भी उस टाइम नहीं थे, लेकिन इनके गांव वाले और जो आसपास के लोगों ने बताया, तो मैं आप लोगों को बता दूं। वहाँ पे यार कुछ लोग बोलते हैं कि वो रोज़ लड़ाई झगड़ा किया करते थे, दारू वारू पी किया जाता था। तो उसमें एक दिन जिस दिन यहाँ पे मैटर हुआ है यानी कि जिस दिन बेटा और उसकी माँ की मौत हुई, उस दिन काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं रात के 12-1 बजे तक वहाँ पे लड़ाई हुई। एक साल हुआ नहीं, 12-1 बजे तक वहाँ पे लड़ाई हो रही हुई है जिस दिन ये बात हुई। हाँ, मीटर के तो 1 साल हो गया है। तो उसके बाद जब यहाँ पे रात हो गई तो लड़ाई उड़ाई बंद हो गई, तो पड़ोसियों को तो पता ही रहता है यार अब नहीं है। तो यहाँ पे सुबह देखा गया कि उसमें बेटे और माँ की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई और मरे हुए, तो पूरा हड़कंप मच गया गांव में। उसके बाद क्या हुआ यार, आपस में लड़ाई हो रही थी तो फंसना उसके पति को भी, क्या पता नहीं किसी ने और मार दिया हो या क्या हुआ हो या खुद आत्महत्या कर ली हो, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। उसके पति को जेल हो गई। अब वो दोनों माँ और बेटा, उसका 5 ही साल का है, बोलते हैं कि निकलता तो उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है, और देखते हैं कि यार हमसे कोई हेल्प हो पाती है तो करते हैं। और बोलते हैं कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा बुखार है, अगर कोई भूल से भी इस रोड पे निकल लेना तो उसकी मौत निश्चित है। तो हम लोग भगवान श्री राम के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार हमने एक दिल्ली लोकेशन विजिट की है, ये लोकेशन हमें भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जब घटना हुई या कोई भी अपने माँ या अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ पे क्या कर सकती है किसी को कुछ भी नहीं पता है कब किसकी मौत हो जाए। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं किसी वांटेड भैया कहाँ पे वो मीटर हुआ था भाई? यहाँ से मतलब कुछ ही दूर पे। अच्छा,
कितनी दूर पे लमसम इसी रोड पे मतलब आगे दिखती अच्छा वहाँ पे डेड बॉडी। लेकिन यार हम लोग तो गांव से लगभग 500 मीटर के आगे वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किस लिए बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ पे कोई ना निकले है? प्रधान ने लगवाया था मतलब यहाँ पे कोई मतलब निकले उकले नहीं रात में 9-7-8 बजे के बाद कोई नहीं निकलता। अच्छा तो फिर ये रोड से दिन में लोग भी नहीं निकलते होंगे कि निकलते हैं? दिन में निकलते जिनको रास्ता नहीं पता होता है वो निकलते हैं। अच्छा तो उनके साथ भी दिन में भी कई बार एक मैटर हुआ होगा जिसकी मुझे यहाँ निकलिए। एक परसों की मौत हो गई थी भाई। अच्छा कल परसों हो गई थी इसी रोड पे यहीं पे इसी रोड पे बोर्ड के पास ही तो गाड़ी से जा रहा था बोल रहा था कि हमारी गाड़ी किसी ने उठा के फेंक दी। तो उसमें कितने लोग 2-3 लोग बैठे होंगे उन्होंने बताया होगा कि गाड़ी फेंक दी ना उसमें एक की तो मौत ही हो गई थी। अरे ओ भाई भैया ये देख ये नजारा जूम कर भाई बिल्कुल दिख रही साफ। अरे बच्चा भी है। अरे जूम कर बच्चा भी है साथ में। ओ दोस्तों अब आप लोग देख ही सकते हो ये भाई बच्चा उसका रो रहा है। ओहो ये देख भैया देख क्या यही है वो। हाँ भाई यही है भैया तो थोड़ा पीछे चल। भैया आपका नाम क्या है बच्चा? मेरा नाम सचिन। अरे भैया पीछे चल यार सचिन की जिम्मेदारी पे लेके आए हैं भैया सचिन डरना मत ठीक है भाई यार तो मिल कर हो रहा है यार। ये देख अरे भाई पीछे चल यार। अरे बच्चा है जोर देख रो रहा कितनी जोर जोर से। झूम कर झूम कर यार भाई ये भाई बच्चा ओहो ये भाई आगे की तरफ आ रही है भाई यार निकलो यार अभी निकल नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ गलत हुआ था भैया। रोने की आवाज़ सुन इसका लड़का इतना ज्यादा रोता है लेकिन माँ उतनी ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि किसी की भी जान ले सकती है अपने बच्चे के लिए तो हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और ओ भाई रिस्क ना लेते हुए हम लोग चल भी रहे हैं। ओ भाई बिल्कुल साफ दिख रहा है।
आज बिल्कुल खराब किया हुआ था लोगों के साथ। आखिर क्या हुआ था उस रात तुम्हारे साथ, क्या बता सकते हो? आखिर क्या हुआ था उस रात तुम्हारे साथ? दिख रहा भाई साहब, किसने मार दिया था? एक बार पास जाती है कुछ, किसने मारा था किसने? भाई उसके पति ने तुम्हारा मारा था, मतलब उसको बच्चा कुछ बोल रहा था। अभी कसम से आवाज है, शायद रिकॉर्ड हुई हुई हो। क्या बोल रहा है, किसने मारा था तुम लोगों को? भैया ओए, लेकिन क्यों मारा था? क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि वो दारू वारू पी के आता था, लड़ाई झगड़ा करता था भाई, उसको ये पैसे नहीं देती थी तो मतलब उसके या मतलब नाच वाच बेच के वो दारू पीता था, ये मतलब जो डांटने लगती थी या गाली देने लगती थी तो मतलब वो उसको मारता बहुत था, मतलब उस रात कहा होगा मारे या मतलब। अब तुम किससे बदला लेना चाहते हो? तुम्हारा पति तो जेल में है, आखिर अब जो कोई भी लोग यहाँ पे निकलता है उसको क्यों तुम लोग मार देती हो? भैया तो भैया हे भगवान श्री राम, आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि इसकी माँ जो बच्चे की है इतना ज़्यादा खतरनाक है, और ये बच्चा बेचारा यहाँ पे इतना ज़्यादा रोता रहता है कि किसी को भी यार दुख हो सके। हमको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ये रोता है, अभी भी रो रहा था और अभी भी रो रहा है, लेकिन इसकी माँ अभी रो रहा है, लेकिन इसकी माँ इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया। ये क्या मीटर है बीच में रखना है? ये भैया वापस क्यों जा रही है? ये बच्चा है, अब दोस्तों आप लोगों के सामने गाड़ी की बेलाइट लगा के दिखा रहा हूँ, ये जो चीज है बिल्कुल सामने हम लोगों को दिखाई दे रही है, और इस बच्चे को सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, फिर आगे बोलता हूं। गूगल टाइम इंडिया, The time in India is 10:57 PM. 10:57, यानी कि लगभग 11 बज रहा है। एक बार फिर से गूगल टाइम इंडिया, The time in India is 10:57 PM. दोस्तों फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूं, ये देखो गूगल टाइम 10:57 भैया ना। ये देखो दोस्तों, यानी कि लगभग 11 बज गया है, और यार इतना छोटा बच्चा है, कोई नहीं एग्री करेगा कि तुम जाओ इनके साथ, फिर आप लोग बाद में बात बोलना कि तुम्हारे भी आदमी थे, और ये जो चीज़ है बिल्कुल रियल में है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो भैया जल्दी कह रहे हैं, अभी लाइट बढ़ा लगा गाड़ी की लाइट लगा चला बेटा, क्या देखा देखिए क्या कर रहे हैं यार ये, चलते गाड़ी की लाइट लगाते हैं क्योंकि दिखे भाई लोगों को, दिखे तभी भाई लोग मानते हैं, क्योंकि बाद में बोलते हैं कि दिखा। ये देख वो अपने ऊपर बैठा के चल रही, भैया जूम कर जूम कर, जूम कर जूम कर जूम करके दिखा भाई अपने बच्चे को, वो अपने ऊपर बैठा ले हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस लोकेशन पे आना चाहते हो तो भैया कौन सा ये गांव है भाई? इसको बोलते हैं वो चांदपुर, चांदपुर, चांदपुर में
पे लोकेशन है, अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ से भी लोकेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा और आप लोग खुद आके विजिट करके देख सकते हो, तब विश्वास करना कि ये बात सही है या दिख रहा भाई, दिख रहा। ये तो बता दिया कि पापा ने मारा, वो बता दिया पति ने। आखिर क्या हुआ था उस रात तुम्हारे साथ? भाई आगे मत जा यार, आगे मत जा यार, उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अपने बेटे को देखो कहाँ पे बैठाने गया यार, देख नहीं रहा है। बोले किसकी आवाज है? तो जो भी है यार, अब आप ही लोग बोले यार, हमसे तो देखा देखा नहीं जा रहा है, क्यों यार हमको भी बहुत दुख हो रहा है जब ऐसा बच्चा यहाँ पे रोता हुआ दिख रहा है, बच्ची को क्या करें। अब आप ही लोग बोले यार, इसके लिए हम जरूर चाहे जिसकी कसम खा ली, चाहे भगवान श्री राम की कसम खा के बोलता है, इन लोगों को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और ये वीडियो भी शूट करके अपलोड करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जितनी भी मुक्ति दिलाई है वो वीडियो नहीं आ पाई है यूट्यूब पे, लेकिन अब जो वीडियो इन लोगों की डाल शूट करूंगा मुक्ति के टाइम, वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। मैं कसम खाई भगवान श्री राम की, ये वीडियो जरूर पीछे बढ़, पीछे बढ़, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो आगे आप ये देखा है आवाज़ें कर रही है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग आगे बढ़ जाए और उसकी माँ की जान फंस जाए, क्योंकि उसकी माँ इतना ज़्यादा खतरनाक है, बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं लगा पीछे देखते हैं गाड़ी की लाइट से, ए दिख रही है, दिख रही भाई दिख रही। ये आखिर भैया भाई वही उसी की तरफ जा रही है, भाई वही पे रुके जहाँ पे उस परसों बोला था मैंने आपको, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ वही वही पे है भाई। क्यों भैया कुछ यहाँ पे बताना वताना तो नहीं चाहते कि कोई यहाँ का राज हो या कुछ हो? क्यों रुक रुक एक बार चलते हैं मालूम कर लेते हैं चल के ना, तो अब भैया चलते हैं एक बार मालूम करते हैं कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई राज छुपा हो और हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ पे है और हम लोग सही तरीके से जान ना पा रहे हों। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था और इसी जगह पे इन लोगों की भी तो मौत हुई थी ना। हाँ भाई अरे भैया कहाँ गए यार वो लोग? पकड़ 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 भाई फिर आ रहे हैं इधर को भाई। पीछे आ जा पीछे, बेहतर रुक रुक सब आ गया आ गया आ गया भाई। देख वही है ना तुम्हारे पड़ोसी जो, ये देख एक बार भैया पीछे बढ़ यार। हाँ भाई उनकी शक्ल देखना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों का चेहरा हम लोग देख सकते हैं? नुकसान में पहुँचाना मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। Oh,
संभल के संभल। देख तू आ रही है यार, अभी भी पीछे, अभी भी आ रही है भाई। ये देखो, ये देखो अभी भी आ रही है। मैं दिखा भैया यार, ये हम लोगों के पीछे रह जाए यार, हमारे भैया ये देख, वो यार वो देख जा रही है। तू बता देना हम तुम्हारे पड़ोस के हैं ना, अपना नाम बता देना सचिन, तो मैं सचिन तुम्हारे पड़ोस का, तब जाके आगे देख। यहाँ से वो चीज़ें दिख रही है ना? दिख रही है भाई, दिख रही है, जो हम भी कर देते हैं। तो बोल तो मैं सचिन हूँ तुम्हारे पड़ोस का, भैया आराम से जाना कहीं पर भी, कुछ हम चले गए हमारे साथ यहाँ पे बीता है वो हम भी तीनों जानते हैं, और कितना रिस्क था यहाँ पे, क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए था क्योंकि जो बच्चा था वो बेचारा रो रहा था, तो सबको यार लगता है कि यार बच्चा रो रहा है इसमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो माँ थी ये बहुत ही खतरनाक थी, ये किसी को भाग पा जाती तो वो अपनी जान में फंसा के उसका शिकार कर लेती। तो अब हम लोग भैया इसके घर का कोई सदस्य, मतलब ये तीन ही लोग थे तो जेल में कोई मिल जाए ऐसा होना हो, तो इसके मतलब चाचा या दौआ या कोई बाबा दादी है या को? हाँ भाई है। कौन है, दौआ या दादी? दौआ चाचा कौन है? इसके चाचा है। चाचा है तो दोस्तों इन लोगों को मुक्ति खास हो सकती है, बस इनके जो चाचा हैं या उनसे एक बार बात करवा दो कि आज चलते सुबह आज हम तुम्हारे यहाँ से फिर से ये जो होटल है पास वाला, क्योंकि वहाँ पे जा नहीं सकते, अब रात हो गई है, बात करने लग गए, तो सुबह हम मिलेंगे फिर बात करवा देंगे। तो दोस्तों हम उनसे के चाचा से मिल के यहाँ पे इन लोगों को मुक्ति ज़रूर दिलाएंगे, और ये जो बच्चा है कि यार इतना ज़्यादा यहाँ पे रो रहा था तो हमसे देखा देखा नहीं गया, तो हम इसको ज़रूर करवाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों को दीजिए आप लोग इजाज़त, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, मुक्ति के साथ। तो भैया चले, तो हो सकेगा तो कल ही बात करके यहाँ पे पंडित को बुला के यहीं पे आप लोगों के सामने हम मुक्ति दिलाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम। भैया बैठा, हाँ बैठा।